दूसरा डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र के टोटल चार पिलर्स हैं, जिसमें से एक है मीडिया। और हमारा देश भारत ना केवल प्रजातंत्र एक राष्ट्र है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र यानी कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। लेकिन जहां हम अपने डायवर्सिटी, हजारों सालों का इतिहास, नदियां, उपजाऊ जमीन, संस्कृति और त्योहार जैसे कई अन्य चीजों पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन एक चीज जो हमेशा मन को खट्टा कर देता है या जो अब नेताओं से भी कम भरोसा लायक बन गया है, वो इसी डेमोक्रेसी का चौथा पिलर यानी कि मीडिया है। क्योंकि हमारे देश के जो टॉप नॉच न्यूज चैनल्स हैं, कुछ प्रिंट मीडिया हाउसेस हैं और मोस्टली जो हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट है वो सरकार के गोद में मानो बैठ से गए हैं। लोगों को तरह तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। न्यूज जो इन्फॉर्मेशन का एक मुख्यतम सोर्स है, उसमें से इन ढोंगी पत्रकारों द्वारा गलत जानकारियां दी जा रही है। देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते हैं और उसके बाद से ही रवीश कुमार देश के न्यूज चैनल्स पर जो है सरकार के हाथों बिके होने का इल्जाम लगाने लगे और उन्होंने इन मीडिया हाउसेस को एक पर्टिकुलर नाम दिया, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया जिसमें से गोदी राइम टू मोदी, और गोदी मीडिया का अर्थ है कि सरकार के हाथों बिकी हुई मीडिया यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया। देखिए, जहां दूसरे देशों में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाया जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया उसे क्लियर करती है, तो वही हमारे देश में इसका उल्टा है। स्टार्टिंग विद नोट अदर देन सुधीर चौधरी, जो पहले जी न्यूज का एडिटर इन चीफ थे और डीएनए नाम का पॉपुलर शो होस्ट करते थे, बट नाउ ही इज एन आज तक बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे, मानोगे कि नहीं मानोगे? बताइए, सुधीर चौधरी मोदी जी के जवाब पर गूंगे जैसे हाँ में हाँ मिला रहे। इतने बड़े चैनल का इतना बड़ा पत्रकार होने के बावजूद उनमें यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि मोदी जी 200 रुपए कमाने वाला व्यक्ति इतने महंगाई में खुद के साथ परिवार को कैसे पार पाएगा। इवन कई बार तो म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर्स इन रोड साइड ठेला गाड़ियों का सामान फेंक देते हैं, कई बार ठेला गाड़ी उठा भी ले जाते हैं, और अगर वो कहीं पर रेंट पर जगह लेकर जो है वहां पर अपना ठेला गाड़ी लगाना भी चाहे तो 200 रुपए कमाने वाला व्यक्ति उसका भाड़ा कैसे भर पाएगा। लेकिन सुधीर चौधरी तो मानो मुंह में लड्डू ठूसे हुए थे, उनके मुंह से चू भी नहीं निकला। चाहे किसान बिल हो या अग्निपथ स्कीम, सुधीर चौधरी सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट बताते हैं, उससे होने वाला नुकसान कभी नहीं बताते, मानो सरकार ने उन्हें अपने फेवर में बोलने के लिए मुंह मांगी रकम दी हो। अभी रिसेंटली जब हमारे ओलंपिक विजेता पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे और जब उनकी सुनी नहीं जा रही थी, तब वो गंगा नदी में अपने मेडल को फेंकने की सरकार को धमकी दी, तो सुधीर चौधरी ने इस पर जो है हमारे जो पहलवान थे, जो हमारे रत्न है देश के, उनको ये सुझाव दिया कि आप जो है अपने सरकारी नौकरी को छोड़कर जो है प्रोटेस्ट करिए, तब शायद सरकार आपकी सुन ले, मेडल फेंक कर मत करिए। मतलब आप जो है उन रत्नों के लिए न्याय की बात तो नहीं कर रहे, परंतु उनको प्रताड़ित करने की जो है बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। हो रहा था खाकी में तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। सुधीर चौधरी को सरकार से ज्यादा पता है कि जो सरेआम कह रहे कि भारत के कहने पर 6 से 8 घंटे तक रशिया ने युद्ध को रोका था, जिसके बाद जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनको आकर क्लियर करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि चार लोगों को लगे कि सत्य से भी जो है ज्यादा सत्य है। नेक्स्ट इज क्वीन अंजना ओम कश्यप। आप देख रहे हैं ना बोल, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। भक्ति ऐसा करो कि अपना नाम भी भूल जाओ, या दीदी ने सच में मोदी जी को अपना पापा मान लिया, क्या पता। ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, लिख के रख लीजिए। आदित्य ठाकरे को शिवसेना का राहुल गांधी बोल रही, कैमरा के पीछे बट रिकॉर्ड हो गया और ब्रॉडकास्ट भी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना पछतावा व्यक्त किया, लेकिन तब तक जो होना था वो हो गया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के मतलब एक तरह से उनके दम पर मिली है कांग्रेस पार्टी को। व्हाट अ लॉजिक, व्हाट एनालिसिस। कांग्रेस अगर चुनाव जीतती भी है तो भी भारतीय जनता पार्टी के दम पर, ऐसा दीदी का कहना है। वाह दीदी वाह, अब इससे बड़ा प्रमाण नहीं चाहिए आपका मोदी भक्त होने पर। अब बारी है पापा की परी, नॉट अदर देन रूबिका लियाकत का। उसने बनाई सबके लिए वाह, दिवाली आदाब करते हुए भी विश किया जाता है क्या, मुझे तो आज पता चला। या यही सच्चाई, और दीदी कुछ और दिखाती है, मतलब मन में अल्लाह दिखावे में राम। मेरा प्रधानमंत्री कायर नहीं है, मेरा प्रधानमंत्री कायर नहीं है, मेरा प्रधानमंत्री ऐसा है जिसके जिसके आगे नतमस्तक होते हैं। संसद में दिखाइए, मेरा प्रधानमंत्री कायर नहीं है, ठीक है पता है हमको भी, लेकिन आप डिबेट करवा रही है मोदी जी का तारीफ गान, बताओ। वाह, चीता का जो न्यूज कवर करने के लिए चीता वाला ड्रेस, वेरी गुड, आई लाइक इट। उस लड़की के साथ क्या बीती होगी, उसकी स्कूटी, उसका टायर पंक्चर हो गया था, सामने वाले ने कहा मदद करूंगा और उसको जिंदा जला दिया।
आप सोच सकते हैं, उस लड़की ने डर में अपनी बहन को फोन किया होगा, वो उस पर क्या बीत रही होगी और हम क्या कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आता है, मैं कितनी दफा यहाँ बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी कि हिंदुस्तान की बच्चियां आजादी से क्यों नहीं घूम पाती। वाह, क्या इमोशन है, क्या दर्द है, एक्टिंग गजब लेवल का है। गलत तो रूबिका जी के साथ हुआ जो ये जर्नलिज्म में आ गई, ये तो फिल्मों में जाना था, शायद ऑस्कर भी ले आती। मतलब संवेदना व्यक्त करने के लिए ये क्या तरीका है जो नाटक कर रही हो। रोने पर आंसू का एक बूंद नहीं निकला, सर इससे मेकअप खराब हो जाता, नहीं तो दीदी वो भी आराम से निकाल लेती। मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं, मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड, आप थकते क्यों नहीं। देश में एक से बढ़कर एक मुद्दा है, बेरोजगारी चरम पर, किसानों का मुद्दा है, एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, लेकिन रूबिका जी को तो ये जानना कि प्रधानमंत्री थकते क्यों नहीं, चवन प्रयास कराते हैं या फिर कोई और जड़ी बूटी खाते। वाह रूबिका जी वाह, नाउ माय फेवरेट वन अर्णव गोस्वामी। हो हो हो, ये चर्सी है, हम सब लड़ ये 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 ड्रगी है, प्रमाण दिखाओ मुझे। आप कैसे लड़ रहे संजय, प्रमाण दिखाओ मुझे, प्रमाण दिखाओ, प्रमाण मैं दिखाता हूँ, प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वहाँ पे प्रमाण है उसके पास, अरे ड्रगी कौन है, रिया चक्रवर्ती ड्रगी है, वो कैसे कह रही है, रिया चक्रवर्ती बोल रही है मुझे, आपने 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 ये चर्ची है, भंगेड़ी है, मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, ये क्या है, इसे न्यूज़ कहते हैं, न्यूसेंस। री अटर द वर्ड्स, आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी बाबू। अब इस पर क्या कहा जाए, अरब का ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये देश के गंभीर मुद्दों को छोड़ अपने शो में पाकिस्तानियों को बुलाकर खूब बेइज्जती करते हैं और फिर जब उनको बोलने की जो उनका टर्न आता है तो वो माइक को ही बंद कर देते। कीप इट अरब, कीप इट, आई लाइक कुछ भी। यही अर्णव गोस्वामी नेपोटिज्म कर गले फाड़ता था। पूरा बॉलीवुड में इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद एकदम बवाल सा लगाकर खड़ा कर दिया था, अकेले के दम पे इन्होंने पूरा बॉलीवुड को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन खुद के चैनल के टॉप पोजीशन पे इन्होंने अपने वाइफ को बिठा के रखा। मतलब उनको उनसे ज्यादा कोई टैलेंटेड व्यक्ति मिला ही नहीं उस पोजीशन के लिए जो वो खुद नेपोटिज्म कर बैठे। या फिर खुद करे तो पुण्य, या फिर लोग करे तो महापाप, यही तो दोगलापन है। अमित देवगन इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जादू के साथ ये भी आए थे और गलती से यहीं पर रह गए। आप जमीन पे उतरे हैं और इस पायलट की ड्रेस में क्यों है, क्या लग रहा है आपको, आप हमें अब उड़ाएंगे थोड़ी देर में, यानी यू आर मेक अस फ्लाई। तो कभी कलाबाजी करते हुए जमीन को छूने लगा, कभी पायलट एयरक्राफ्ट को उल्टा करके उड़ाते तो कभी इन्वर्टेड उड़ाते। वाह क्या स्टाइल है अमित जी का, एकदम फाइटर पायलट लग रहे हैं, शायद जादू वाला स्पेस क्राफ्ट यही उड़ा कर लाए थे। बोला अभी, बोला सुप्रिया जी आपने, अभी बोला, यू सेड इट जस्ट नाउ, आपने अभी बोला कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए 26 जनवरी को, यू सेड इट जस्ट नाउ। ओहो हो, क्या पत्रकारिता है अमित भाई का, मतलब एकदम पूरा जान लगा देते हैं। अमित जी डाई हार्ड फैन ऑफ पीएम मोदी, इसलिए उनके बारे में एक शब्द भी कभी बुरा नहीं सुनना चाहते, चाहे भले वो दिखावे के लिए एक सच्चे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, लेकिन वो दोगलापन तो जरूर करते ही है। ना तंबाकू खाने वालों के फेवरेट दीपक चौरसिया। मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ऐसे एंकर हैं जो कि पैनलिस्ट के आराम आराम से लेकर मजे लेते हैं। देखिए दीपक चौरसिया जो है वो एस्ट्रोनॉट भी है, चाहे भले अभी तक कोई इंडियन तो छोड़िए, हमारा चांद्रयान भी चांद के सतह पर लैंड नहीं कर पाया, लेकिन दीपक चौरसिया चांद पर पहुंच गए और वहां पर जाके फील लेकर दर्शकों को भी फील करवा रहे, दिस इज रियल जर्नलिज्म, मान गए गुरु। मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं, उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा, आप अपने जेब में पर्स रखते हैं क्या, पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। मोदी जी भी एक पल के लिए चौंक गए इस कठिन सवाल को सुनकर, मतलब और तो कुछ पूछने लायक है ही नहीं, दीपक भाई को तो ये जानने की इतनी रुचि इसलिए है क्योंकि मोदी जी से वो बचा हुआ पैसा लेना चाहते हैं, अगर उनके पास रहता वो अभी तुरंत छीन के ले लेते मोदी जी से। वाह दीपक भाई वाह। दोस्तों ये हाल है हमारे देश के न्यूज चैनल्स और उसके जर्नलिस्ट का, कुछ लोगों को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, बट मोदी भक्त कहिए या फिर सरकार के फेवर करने वाले फेक जर्नलिस्ट, उनकी जो देश में कमी नहीं है।
तो ये देखिए इस वक्त द्वारका हम पहुंच चुके हैं, गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि विपर्जॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त होता है, जो हवाएं चल रही है कि खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है, और जो ये विपर्जॉय तूफान है इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। हवाएं जो है वो यहाँ पर खुद को कैसे अब इंसान संभालेगा ये सवाल है, और इसलिए तैयारियां हैं। अंदाजा लगाइए कि विपर्जॉय जब यहाँ पर आएगा 150 किलोमीटर की रफ्तार से, जब वो यहाँ पर पहुंचेगा, लैंडफॉल होगा, तो यहाँ की क्या, यहाँ देखिए क्या होगा ये अंदाजा आप लगाइए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ सावधान रहिए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं हुए तो फिर कुछ ऐसे ही हालात हो सकते हैं। यहाँ पर जो पेड़ है वो उखड़ रहे हैं, यहाँ जो चीजें हैं वो अव्यवस्थित है, लेकिन इसके लिए तैयारियां कैसी है, एनडीआरएफ की टीम कैसे तैनात है, चलिए मेरे साथ में बताती हूँ। वाह श्वेता त्रिपाठी वाह, क्या एक्टिंग स्किल है आपके पास, शायद आप रूबिका जी को टक्कर दे पाए। मतलब तूफान इनके स्टूडियो के अंदर पहुंच गया और तब भी ये जो छाता लेकर रिपोर्टिंग कर रही है, गजब का परसिवरेंस है, मान गया मैं। लेकिन पीछे जो वीडियो चल रहा है स्क्रीन पर वो तो फ्लोरिडा में आया हरिकन तूफान का है, जो कि 2022 में आया था। उसका मतलब ये है कि लोगों को इन्होंने अच्छे से काटा, दीदी की एक्टिंग स्किल एकदम गजब की है, तो लोग भी पागल बन गए इनके चक्कर में, मान गया मैं। ये वैन क्यों रुकी थी, उसके पीछे एक वजह है, दरअसल अतीक को यहाँ देश में पत्रकारिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पत्रकार मुजिमों का पेशाब करते वीडियो बनाते हैं, लेकिन यही पत्रकार जब यही अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन आजाद होते तो उनके पास जाकर मामूली सा सवाल जवाब करने से भी घबराते हैं। ये सभी ढोंगी मीडिया वाले सीमा अंजू अंजू करके बकवास फैला रहे हैं, टीआरपी के नाम पर लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, मणिपुर बिलक बिलक कर रो रहा है, ना जाने कितना डिस्टर्बिंग वहां से मंजर सामने आ रहा है, लेकिन हमारा मेनस्ट्रीम गोदी मीडिया मानो इंसेंसिटिव हो चुकी है, कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, मानो कि मणिपुर देश का हिस्सा है ही नहीं। अगर सोशल मीडिया ना होता तो लगभग हर जरूरी खबर को एक बिकी हुई गोदी मीडिया ना जाने किस तरह से दबा लेते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता। देखिए सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, हमारा मीडिया हमेशा से बायस्ड रही है, क्योंकि इन्हें बिकना आता है जो खरीदा इनका सरकार बन ही जाता है। आप लोग ही बताओ कि राहुल गांधी का जो पप्पू वाला इमेज हम सबके मन में बिठा दिया गया है, वही राहुल गांधी तो 2014 के पहले हमारे मीडिया के नजर में ऐसा नेता थे मानो कि इंडिया के भविष्य को बदल देंगे, लेकिन 2014 के बाद क्या बदल गया, सरकार या फिर राहुल गांधी, लेकिन हमारा मीडिया तो वही का वही है ना। लुक आई डोंट फेवर राहुल गांधी, नॉट डिड आई लाइक हिम, बट द फैक्ट इज फैक्ट एंड ट्रुथ कांट बी चेंज्ड।